देश भर में नागरिकता कानून का विरोध लगातार जारी है, जिसके चलते देश के कई राज्यों में इसके विरोध में हिंसक प्रदर्शन हुए हैं। मेरठ में भी हिंसा की कई घटनाएं सामने आई और अब वहां का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में SPCB अखिलेश नारायण सिंह हिंदू समुदाय के लोगों को धमकाते हुए नजर आ रहे हैं। वह इस वायरल वीडियो को कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया है और लिखा है कि BJP सांप्रदाय का जहर अब संस्थाओं में घोल रही है। बता दें कि ये वीडियो 20 दिसंबर का बताया जा रहा है, जिसमें मेरठ के SPCT अखिलेश नारायण सिंह पूरी टीम के साथ प्रदर्शनकारियों को काबू में करने के लिए शहर के निसारी गेट के पास एक गली में पहुंचे थे। इस वीडियो में साफ सुना जा सकता है कि वे काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन कर रहे लोगों को पाकिस्तान जाने की हिदायत दे रहे हैं। इतना ही नहीं, वह इलाके के लोगों को कीमत चुकाने की चेतावनी भी दे रहे हैं। तो इस बारे में मेरठ AD प्रशांत कुमार ने सफाई देते हुए कहा है, ये एक वीक पुरानी वीडियो है 20 तारीख की, और इसमें तथ्य ये है कि वहां भारत विरोधी और पड़ोसी देश जिंदाबाद के नारे लग रहे थे और कुछ लोग PFI और SDPI के पर्चे बांट रहे थे। इस सूचना पे ADM सिटी और SP सिटी मौके पे गए। वहां वीडियो से स्पष्ट है कि पूर्व में भी पथराव हो चुका था और इन्होंने जाके स्थिति संभाली और ये कहा कि आप अगर जाना चाहते हैं तो जाएं, कहीं भी जाएं, लेकिन यहां उपद्रव न करें। 20 तारीख के दिन यहां स्थिति अत्यंत ही संवेदनशील थी, तभी सभी जगह पथराव हो रहे थे, कुछ आगजनी की भी घटनाएं हुई थी। ये हो सकता था कि शब्दों का चयन सामान्य परिस्थितियों में इससे बेटर हो सकता था, लेकिन अधिकारियों ने पूरा संयम का परिचय दिया और किसी तरह की बदसलूकी जो अन्य लोग वहां खड़े थे उनके साथ नहीं की। और एक सप्ताह के बाद से इस तरह के वीडियो को चलाया जाना, विशेषकर जब कल शुक्रवार को सभी शांति रही, ऐसा लगता है कि ये भी एक साजिश का हिस्सा है ताकि स्थिति यहाँ सामान्य न होने पाए और आपसी कटुता बढ़ती रहे। लेकिन यहाँ के लोगों ने जो एक प्रण लिया है कि सभी लोग पुलिस और प्रशासन के साथ मिलकर स्थिति को सामान्य बनाए रखेंगे, ये इसको सफल नहीं होने देंगे, जिसका परिचय कल यहाँ की जनता ने, मेरठ की जनता ने दिया है। इसके अतिरिक्त पूरे मेरठ जोन में स्थिति पूर्णतः सामान्य और शांतिपूर्ण है। इतना ही नहीं, इस बारे में पुलिस की ओर से भी सफाई आई। पुलिस ने कहा कि अब जब पूरे प्रदेश में शांति है, तब ये वीडियो कुछ लोगों की तरफ से जानबूझकर घटना के कई दिनों बाद वायरल किया जा रहा है, ताकि दोबारा अशांति फैलाई जा सके। दिल्ली से नवोदय टाइम्स के लिए प्रियंका की रिपोर्ट।